is Veda Vishnoi. Welcome back to my channel. So let's start with the next video which is related to the art only. तो अभी हम इनफर्टिलिटी टॉपिक में बहुत सारे टेक्निक्स के बारे में पढ़ रहे हैं जिससे जो इनफर्टाइल कपल्स हैं दे कैन हैव द चिल्ड्रन. सो नेक्स्ट, इससे पहले वाले में मैंने आपको टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में बताया था. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्यू मोर टेक्निक्स जिसमें से नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन टेक्निक. मींस आर्टिफिशियली इनसेमिनेट किया जाता है. इनसेमिनेट करना मतलब फीमेल बॉडी में मेल गैमेट को ट्रांसफर करना. सो दिस टेक्निक इज यूज्ड इन केस ऑफ इनफर्टिलिटी इन मेल. सो अगर मेल जो है वो इनफर्टाइल है, इन दैट केस दिस टेक्नोलॉजी विल बी यूज्ड. इनफर्टिलिटी मेल्स में किस रीजन से? पहला, लो स्पर्म काउंट होने की वजह से या इनसेमिनेशन ना कर पाने की वजह से जो इनफर्टिलिटी हो रही है उसको ओवरकम करने के लिए ये टेक्निक होता है. सो नेचुरली जब इनसेमिनेशन होता है उससे जो सिमेन फीमेल बॉडी में एंटर होता है तो उसमें स्पर्म्स होते हैं. सो सेम वे आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन किया जाएगा, जो स्पर्म है that will be injected in the female body. Semen collect किया जाता है either from the husband or from the healthy donor. So जब insemination के लिए जो sperms लिए जाते हैं, अगर वो husband से लिए जाते हैं उसको artificial insemination husband बोला जाता है, HIA. या फिर अगर healthy donor से लिया जाता है तो उसको बोलते हैं artificial insemination donor, that is एग. तो जब ये कलेक्ट कर दिया जाता है दोनों में से किसी से भी, जब स्पर्म कलेक्ट होगा दैट स्पर्म विल बी आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड इनटू वजाइना और यूट्रस ऑफ द फीमेल. सो इसको यूट्रस या वजाइना में ट्रांसफर किया जाता है. तो जब अगर इस मेल गैमेट को, जब स्पर्म्स को यूट्रस में ट्रांसफर किया जाएगा उससे बोलेंगे इंट्रा यूट्राइन इनसेमिनेशन. फाइन, नाम से ही पता चलता है, आई यू फाइन. सो आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन टेक्निक यूज किया जाता है व्हेन द मेल पार्टनर इज इनफर्टाइल. इनफर्टिलिटी किस वजह से है? आइदर ड्यू टू लो स्पर्म काउंट और इनसेमिनेट नहीं कर पाने की वजह से. तो उस केस में आर्टिफिशियली फीमेल बॉडी में स्पर्म्स को इंजेक्ट करवाया जाता है, तो वो जो सिमेन, जो स्पर्म है वो या फिर हस्बैंड से लिया जाएगा या फिर हेल्दी डोनर से लिया जाएगा. और अगर वो स्पर्म यूट्रस में डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया गया तो उसे इंट्रा यूट्राइन इनसेमिनेशन बोला जाता है. IUI वाला जो टेक्निक होता है वो बेटर होता है व्हेन द सिमेन इज बीन ट्रांसफर थ्रू द वजाइना, क्योंकि वो जो उतना स्पीड होता है या उतना एरिया कवर करना होता है वजाइना से यूट्रस तक का, वो आसान हो जाता है. तो इसमें फर्टिलिटी के ज्यादा चांसेस होते हैं. नेक्स्ट वन इज गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर गिफ्ट. इससे भी पता चल जाएगा गैमेट को ट्रांसफर किया जा रहा है फेलोपियन ट्यूब में. तो यहां पे एम्ब्रियो, जाइगोट ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है, इसमें डायरेक्टली गैमेट्स को ट्रांसफर किया जा रहा है फीमेल बॉडी में. अब इस टेक्निक की कब जरूरत पड़ती है? यूज इन फीमेल विच कैन नॉट प्रोड्यूस ओवा. ऐसी फीमेल, ये फीमेल की इनफर्टिलिटी की वजह से हो सकता है क्योंकि फीमेल जो है वो ओवा नहीं बना पा रहे हैं. इन दैट केस दिस टेक्निक इज यूज्ड, बट कैन प्रोवाइड सुटेबल एनवायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट. तो फीमेल ओवा भले ही ना बना पा रहे हो बट उनके यूट्रस जो है इट इज नॉर्मल, इट इज सुटेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. अगर आप एम्ब्रियो इस फीमेल में जो ओवा नहीं बना पा रहे हैं उनके यूट्रस में अगर आप एम्ब्रियो को प्लांट करते हो, इम्प्लांट करते हो, तो दैट फीमेल इज गोइंग टू गिव द नॉर्मल एनवायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो. सो बट दिस फीमेल इज गोइंग टू प्रोवाइड सुटेबल एनवायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन फॉर द डेवलपमेंट. स्पर्म एंड अनफर्टिलाइज्ड ओवा ट्रांसफर फेलोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल एंड फर्टिलाइजेशन विल टेक्स प्लेस नेचुरली. तो इस टेक्निक में सिंपली स्पर्म एंड ओवा उठा के
फीमेल बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है और वहां पे नेचुरली फर्टिलाइजेशन होगा फिलोपियन ट्यूब में और फिर नेचुरल इम्प्लांटेशन के बाद नेचुरल डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियो का. एंड दिस टेक्निक इज एडेप्टेड फॉर दोज फीमेल्स हु आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस ओवा. इन दैट केस ये टेक्निक को यूज किया जाता है. नाउ द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन मतलब कि स्पर्म्स को डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है एग या ओवा के अंदर. स्पर्म डायरेक्टली इंटू इंजेक्टेड डायरेक्टली इंटू साइटोप्लाज्म ऑफ ओवा टू फॉर्म एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी. जब एक बार एम्ब्रियो बन जाता है उस एम्ब्रियो को ZIF या IUTI मतलब IVF टेक्निक को यूज करके उस एम्ब्रियो को फीमेल बॉडी में इम्प्लांट करवा दिया जाता है, इंजेक्ट करवा दिया जाता है. ठीक है, सो ये टेक्निक कब यूज की जा रही है? जब स्पर्म हैज लॉस्ट द कैपेसिटी टू फर्टिलाइज द ओवा. बट इफ द मेल एंड फीमेल पार्टनर दे वॉन्ट देयर ओन जीन्स टू बी इन द जायगोट, दे डोंट वॉन्ट टू हायर टेक द स्पर्म्स फ्रॉम एनी डोनर, इन दैट केस मेल के स्पर्म्स को डायरेक्टली लेबोरेटरी कंडीशन में ओवा के अंदर इंजेक्ट करवा दिया जाता है, फर्टिलाइजेशन करवा के, एम्ब्रियो फॉर्मेशन करवा के, फिर इन दोनों टेक्निक मतलब IVF के थ्रू वो फीमेल बॉडी में प्लेस करवा दिया जाएगा. सो दीज आर फ्यू टेक्निक्स अपार्ट फ्रॉम IVF. तो IVF दैट इज टेस्ट ट्यूब बेबी. उसके बाद है आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन टेक्निक. ये मेल पार्टनर के इनफर्टिलिटी की वजह से होता है. गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ये तब करवाया जाता है जब फीमेल इनफर्टाइल होती है. फोर्थ इज इंट्रा साइटोप्लाज्मिक, जस्ट अ सेकेंड, दिस विल बी थर्ड एंड दिस विल बी फोर्थ. सो इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन तब करवाया जाता है जब स्पर्म is not that potential, it is not having that potential to fertilize the ova. ova ke membrane ko, egg membrane ko fertilize nahi kar paate hain. Fine, so this is all about infertility and the art. You need to understand each and every technique. Sari techniques ki aapko peculiarities pata honi chahiye. Wo kis partner ki wajah se kaun sa, maybe aapko question exam mein diya jaye ki if the in there is the male partner which is infertile, in that case which technique can be used, or if the female partner is infertile to us case mein kaun si technique use karni chahiye. So you have to understand all the concept very carefully. So see you in my next video. Till then keep learning and be safe.